भाई मतलब एक बार ना तुम आसपास के एरिया की धुंध चेकआउट करो, यहाँ आके फीलिंग लग रही है अभी। हाँ अपन अक्टूबर के महीने में एंटर कर चुके हैं, एक बार नीचे से देखो जैसे धुआं उठ रहा हो। ठंड तो मेरे एक एक बॉडी पार्ट में ऐसे जम चुकी है ना, ऐसे जम चुकी है। रियल फीलिंग आ गई अक्टूबर की भी। हाँ अक्टूबर एंड होने वाला, अक्टूबर सर्दियां। यार कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलनी चाहिए रात को, बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए। मतलब रात के 8:30 9 के करीब मैंने खेलना शुरू करा और 12 बजे वेला हुआ खेल खेल के। मतलब मल्टीप्लेयर के तो इतने सारे मैच लगाए, इतने सारे मैच पिछले 4 दिनों में मैं इलीट वन पे पहुंच चुका हूँ, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया रैंक पुश करी है मैंने, क्योंकि पबजी में मैं कभी इतनी नहीं कर पाता था। और कॉल ऑफ ड्यूटी सही बात बताऊँ पबजी से थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी ज़्यादा। अभी तो खैर बैकग्राउंड देख के तुम लोग समझ ही गए होगे, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शक्ल देख के, बैकग्राउंड देख के और इससे पहले का मोन्टाज देख के तुम लोग बड़े प्यार से समझ गए होगे। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड पता नहीं कौन पागल अभी सुबह सुबह पटाखे फोड़ रहा था भाई। मतलब स्काई शॉट्स, मतलब जब मैं नहा रहा था तो बहुत ज़्यादा दौड़ 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 दौड़। मैं कहा यार पटाखे शाम में रात में फोड़ने की चीज़ें हैं, दिन में नहीं, तीतू में नहीं, तीतू में तो लोग उठ जाते हैं। पता नहीं किसके घर की कुकर की सीटी बज रही है, कौन गाड़ी में बैठ रखा है, अजीब सा सिस्टम हो रखा है सुबह सुबह का। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। और हाँ एक और मज़े की बात है अभी के बारे में, राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस, बट वही रियल फील 15 की है, वही 3-4 डिग्री की डाउन की रियल फील है, कम की रियल फील है और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग एक चीज़ सोच रहे हो कि मैंने बहुत सारे सवालों को जवाब दिया अभी तक, लेकिन एक चीज़ का जवाब नहीं दिया कि मैं इतनी सुबह सुबह उठा ही क्यों। सुबह सुबह मतलब 5 बजे उठा, इतनी मतलब 5 घंटे की नींद ली, फिर नहाया धोया, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ सुबह सुबह उठ के। एक्चुअली सीन कुछ इस प्रकार है, आज मैंने अभी थोड़ी देर में 6:15 के करीब मैंने और पापा ने जाने एक राइड पे, वो जो वहाँ पे अपन लोग लास्ट टाइम काम नहीं करने गए थे, क्या नाम है यार उसका, कौशल्या डैम के पास, अपन लोगों ने वहीं जाना वापस से क्योंकि वो काम अभी भी हल्का सा पेंडिंग है। होप सो आज सुबह सुबह ही कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के काम थोड़े से ऐसे ऐसे ही होते हैं, तो अभी थोड़ी देर तक निकलना है अपन लोगों ने, एक्टिवा पे ही जाएंगे क्योंकि रात का अंधेरा भाई। और वैसे भी ना वो एरिया जहाँ पे हम जाते हैं बहुत जंगलों में है, तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी फट भी रही है कि सुबह सुबह कभी ये ना कोई जंगली जानवर के दर्शन हो जाए, मोर वगैरह तो वहाँ पे बहुत होते हैं, बाकी जानवरों का तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तो खैर निकलने में थोड़ा सा टाइम है, 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा में थोड़ी सी और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, फिर तुम लोगों को निकलते टाइम ही मिलता हूँ। फाइनली अभी जो है अपन लोग तैयार तो हो लिए हैं एकदम बढ़िया तरीके से, 3 लेयर अपन लोगों ने कपड़े डाल लिए, विंडचीटर, इसके नीचे स्वेटशर्ट और उसके नीचे टी शर्ट और ये कैप भी, ये हैट सी कैप ही कहेंगे इसको, कैप में ऊपर करके चल रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कहाँ से ठंड लग जाए। वैसे भी जिस हिसाब का मौसम हो रहा है ना, मेरे को तो लग रहा है अपने को एक जैकेट भी लेनी चाहिए, बट हाँ विंडचीटर विल गेट द जॉब डन। अब तो खैर फटफट निकलते हैं, कॉज अपन लोगों ने जहाँ पहुँचना है वहाँ 8 बजे के करीब पहुँचना है, एंड वी आर अ बिट लेट, अपन 6:15 के करीब निकल, अब अपने को लग रहा है भी लेट अपन लोग हो सकते हैं। भाई मतलब एक बार ना तुम आसपास के एरिया की धुंध चेकआउट करो, यहाँ आके फीलिंग लग रही है अभी। हाँ अपन अक्टूबर के महीने में एंटर कर चुके हैं, एक बार नीचे से देखो जैसे धुआं उठ रहा हो, डेंस डेंस सी फॉग। हेलो यार बहुत मजेदार, मेरी गालें बिल्कुल एकदम सुन्न हो चुकी है, ठंड के चटाके पड़ पड़ के हालत खराब हो चुकी है। और एक बार तुम लोग राइट साइड का व्यू चेकआउट करो, मतलब ये जो हल्का हल्का सूर्य उदय की किरणें धुंधों पे जैसे टकरा रही है ना, याद है जब हम फर्स्ट
मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स भी लिए थे, वो डॉगी टाइम लैप्स से रिलेटेड था। तुम लोग जाना मेरी हिस्ट्री में देख के आना अपलोडेड कंटेंट में। और यहाँ पे देखते ही देखते सुबह के 8 बज चुके हैं, अपन लोगों का यहाँ का काम हो चुका है। एंड भाई सही बात बताऊँ, अभी ना अपन लोग एक स्पेसिफिक रेजिडेंशियल एरिया के पास से गए थे भाई, वहाँ से जो परांठों की खुशबू आ रही थी ना, मतलब मज़ा आ गया, मेरा मन कर रहा है परांठे खाने का। वैसे तो अभी घर ज़्यादा दूर नहीं है, बट भाई अब मन कर रहा है कि कहीं ढाबे रोड साइड पे, हाईवे के साइड पे ढाबा हो, वहाँ पे आराम से बैठे, चाय तो खैर मैं पीता नहीं बट परांठे खाए। और जहाँ तक मेरी तबीयत की बात है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुस्ती चढ़ चुकी है इस ठंड की वजह से, बट चलो कोई ना, चलता अब चुपचाप घर चलेंगे, घर जाके जब सोएंगे ना सारी सुस्ती उतर जाएगी, या कुछ खाएंगे, वैसे घर जाके सैंडविच खाऊंगा आराम से, ये और कोई भी जल्दी बनेगी नहीं। वैसे तो अपन लोगों को घर आए को आराम से आधा घंटा हो चुका है, बट भाई पिछले आधे घंटे में ना मैंने सिर्फ अलग अलग मीन्स ढूंढ रहा हूँ अपने शरीर को गर्म करने के लिए, और खा रहा हूँ, मतलब 5 ब्रेड और इतना सारा बटर पता नहीं पेट के केड़े कोने में जाके बस के, भाई मेरे को अभी भी भूख लग रही है। एंड अभी भाई मेरे को ठंड तो मेरे एक एक बॉडी पार्ट में ऐसे जम चुकी है ना, ऐसे जम चुकी है, रियल फीलिंग आ गई अक्टूबर की भी। हाँ अक्टूबर एंड होने वाला, अक्टूबर सर्दियाँ आने वाली है भाई, आ ही चुकी है, मतलब यार वहाँ की हालत देखते तुम हिमशिखा के पास। क्या जैसे मैं तुम लोगों को बताया, तुम लोग घर वापस आ चुके हैं और अभी मैं आराम से क्विल्ट में बैठ रखा हूँ। ये मम्मी ने कोई नवे प्रकार की चद्दर बिछाई है, वैसे तो ये काफ़ी बढ़िया चद्दर लगती है मेरे को, एसी सेट हमारे यहाँ पे कहते हैं, पता नहीं तुम लोग किस नाम से जानते होगे। और बहुत गर्म है ये, मतलब ये इतना रिलैक्स फील कर रही है ना। अभी तो कोई मेरा सच प्लान है नहीं, सिर्फ यूट्यूब चला रहा हूँ, आराम से यूट्यूब स्क्रॉल करूँगा और देखूंगा कुछ बढ़िया होता है तो तुम लोगों को अपडेट करूंगा, अदरवाइज अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, तुमको थोड़ी देर बाद ही मिलूंगा, ठीक है? ओके, तुम्हारे लिए तो 2 सेकंड ही है, तब तक के लिए बाय बाय। वो मैं ना अभी अभी कैलकुलेट कर रहा था, भी पिछले 17 घंटों में मैं ना टोटल 11 घंटे सोया हूँ भाई, 11, मतलब सुबह अपन लोग 8:30 के करीब आ गए थे यहाँ पे घर वापस, उसके बाद अपन लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करा, वो जो सैंडविचेस वगैरह खाए थे जीप से, सैंडविच भी ब्रेड बटर खाए थे, उसके बाद 10 बजे के करीब मैं सोया। अभी इट्स ऑलमोस्ट 5 इन द इवनिंग और तुम लोग मानोगे नहीं, मैं 4:30 के करीब उठा, मतलब कल रात को 12 से 5 सोया, फिर 10 से 4:30 सोया, भाई बहुत सोया तुम्हारा भाई। अभी कोई ऐसे उठने का प्लान नहीं था, बट अभी ना मम्मी बेसन के लड्डू की तैयारी कर रही है क्योंकि परसों दिवाली है, घर की मिठाई। बाय द वे कल दीदी का बर्थडे भी है, बट कल हम कहीं सेलिब्रेट करने बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हर जगह रश होएगा। सो वी आर प्लानिंग कि अपन लोग कुछ घर पे ही बना लेंगे, पास्ता वगैरह बना लेंगे, बाकी जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन खत्म होएगा ना तब अपन लोग चलेंगे। अभी तो बाहर चल के देखते हैं बेसन के लड्डू की तैयारी कैसी चल रही है। अभी तो मम्मी यहाँ पे बेसन भून रहे हैं लड्डू बनाने के लिए, एंड अभी मेरे हिसाब से इसमें कुछ मीठा वगैरह डालना नहीं है, बट तब भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसकी भुने हुए बेसन की, पूरे घर में खुशबू, और इसी खुशबू ने अपन लोगों को उठाया। जब तक मम्मा बेसन वगैरह भून रहे हैं तब तक मैं क्या सोच रहा हूँ अपने कमरे की ना सेटिंग कर लूँ, क्योंकि आज दिवाली को वैसे भी 2 दिन रह गए हैं, आज धनतेरस है तो देर आर चांसेस भी आज कोई भी गिफ्ट देने आ सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरा कमरा ऐसा दिखे। वैसे भी मम्मी ने और दीदी ने इतने प्यार से चद्दर बिछाई है तो अपनी भी थोड़ी रिस्पेक्ट देना बनता है। तो अपना रूम वगैरह सेट करके मैं चुपचाप आराम से ड्राइंग रूम में आ गया था बैठने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बिल्कुल भी गंदा हो। और भाई लड्डुओं की खुशबू बहुत आ रही है, खाने का मन बहुत कर रहा है, बट परसों से पहले अपन लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते, परसों तक ही अंडरग्राउंड रहेंगे, उसके बाद अपन लोग आराम से खाएंगे जब तक मत्था नहीं टेक लेते अपन लोग दिवाली का। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बज चुके हैं, अपन लोगों के पास दिखाने कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा, तो इस नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। को पता तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कल फिर मिलेंगे एक नई चीज और एक नवी एक्सपीरियंस के साथ। देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।